दोस्तों अगर आप भी पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही भावुक हो गए हार्दिक पांड्या, लेकिन आईपीएल 2022 में नंबर वन टीम बनाने के बावजूद भी रोहित और धोनी को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले अपने बयान में हार्दिक पांड्या वो सब आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पांड्या इस बार अपनी टीम को आईपीएल जिता पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे घमासान मुकाबला दो योद्धा टीम के बीच में खेला गया। दो योद्धा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये लगातार मैच जीत रहे हैं। आपको बता दें कि मुकाबला गुजरात और राजस्थान के बीच में डीवाई पाटिल के स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में खेला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुकाबले में टॉस जीते संजू सैमसन, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन लगता है कि पांड्या की टीम के सामने अच्छी गेंदबाजी करने की शुरुआत तो कर दी थी सैमसन की टीम ने, परंतु पांड्या नाम के तूफान को ही नहीं रोक सके। दोस्तों शुभमन गिल, मैथ्यू वेड और उनके साथ साथ विजय शंकर तक मिलकर 20 से 30 रन ही बना पाए थे, लेकिन फिर पांड्या मैदान में आए और धागे खोल कर रख दिए। दोस्तों क्या तो चौके और क्या ही छक्के, पांड्या ने आज राजस्थान की टीम के हर एक गेंदबाज की मक्खियां उधेड़ कर रख दी। इस अकेले खिलाड़ी ने 8 चौके लगाए, 4 छक्के जड़े और मात्र 52 गेंदों के अंदर ही 87 रनों की एक बेहद ही धाकड़ ऐसी नाबाद पारी खेल डाली जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों पांड्या शतक से तो चूक गए, लेकिन उन्हें साथ मिला था अभिनव मनोहर और मिलर का। मिलर तो दोस्तों लगभग 15 गेंदों में 31 रन बना गए, मनोहर भी 28 गेंदों में ही 43 रन बना गए थे। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों की पारी से गुजरात को अच्छी खासी बढ़त मिल गई। टीम फिर 192 तक पहुंच गई और पांड्या ने यह भ्रम भी तोड़ दिया कि पहले बल्लेबाजी मिली तो क्या स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा लक्ष्य लग सकता है। खैर राजस्थान की टीम के पास एक से बढ़कर एक हथियारबंद खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन लगता है कि आज खुद पांड्या इतनी जबरदस्त फॉर्म में थे कि उनके गेंदबाज भी भारी पड़ गए राजस्थान पर। दोस्तों आते ही मैदान में यश डायल ने विकेट लिया जॉस बटलर का, उसके बाद फर्ग्यूसन ने एक ही ओवर में अश्विन को पवेलियन भेजा और साथ ही साथ पडिकल तो पहले ही आउट हो गए थे। इन तीनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मैदान में सैमसन सेट होते उन्हें तो पांड्या ने ही रन आउट कर दिया था फर्ग्यूसन के ओवर में, बस फिर क्या होना था। देखते ही देखते राजस्थान की टीम बुरी तरीके से ढहती चली गई और पूरे 37 रन के अंतर से पांड्या की पलटन विजय बन गई है। आज के समय में दोस्तों पांड्या आईपीएल में नंबर वन कप्तान है और पॉइंट्स टेबल में भी नंबर वन बनने के बाद पांड्या ने अपने अनुभवी खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा, उनकी तारीफ में कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा कि वाकई में एक शानदार लम्हा है, ऐसा लग रहा है कि मानो आज हमारी सारी मेहनत पूरी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि हर मैच को जीतने के लिए हम उतनी ही मेहनत करते हैं या फिर उससे ज्यादा ही जितनी हम अपने पिछले मैच में करके आते हैं, और जब आपकी टीम राजस्थान या फिर कोई भी टॉप टीम को हरा कर सबसे पहले पायदान पर आ जाए आईपीएल की पॉइंट टेबल में, ये अपने आप में किसी बड़ी सफलता से कम नहीं। हमने अब तक 5 मैच खेले हैं और 4 जीते हैं, लेकिन ये चारों मैच हम अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों के एकजुट प्रदर्शन की वजह से ही जीत पाए हैं। किसी एक खिलाड़ी की वजह से ना तो मैच जीता जाता है और ना ही हारा जाता है, इसीलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मैं टीम के सभी खिलाड़ियों को और उनकी मेहनत व टीम के फैंस को समर्पित करना चाहूंगा। इन सब के बिना हम कुछ नहीं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सीनियर खिलाड़ियों का जैसे कि रोहित शर्मा या फिर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने वाकई में मेरा साथ दिया, मुझे कप्तानी सिखाई और आज उसी सीख के बल पर मैं अपनी टीम को इतनी ऊपर ला पाया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक फैन का भी। दोस्तों हार्दिक पांड्या एक हरफन मौला ऑलराउंडर हैं, उन्हें ना सिर्फ भारतीय टीम से बाहर रखा गया बल्कि अब उनकी वापसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था आईपीएल से पहले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस से ना सिर्फ खुद को बेहतर साबित किया बल्कि टीम को भी नंबर वन बना दिया है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या पांड्या आईपीएल जिता पाएंगे या नहीं अपनी टीम को, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों राजस्थान की टीम के खिलाफ पांड्या ने धाकड़ बल्लेबाजी के बाद एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसी शानदार फील्डिंग करी कि पूरा मैच ही पलट गया। आखिरकार कैसे पांड्या ने अपनी पलटन के साथ राजस्थान की टीम को कुचल के रख दिया और हारे हुए मैच में जिता दिया, वो सब तो आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला पांड्या की पलटन और राजस्थान के रजवाड़ों के बीच में डीवाई पाटिल के एकेडमी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला दो धुरंधर नहीं बल्कि दो विजेताओं के बीच में हो रहा था, ऐसी टीमें जो आईपीएल 2022 में सबसे कम बार हारी हैं। और दोस्तों आज तो पांड्या ने राजस्थान की टीम की गर्दन ही मरोड़ कर रख दी, वो भी अकेले। इस मैच की शुरुआत दोस्तों पांड्या के टॉस हारने के साथ हुई। तकदीर ने तो पांड्या का साथ नहीं दिया, लेकिन लगता है कि आज पांड्या फुल तैयारी में आए थे।
इस बार के आईपीएल के नंबर वन की टीम को पछाड़ने की। दोस्तों शुरुआत पांड्या की टीम की बहुत खराब थी। आपको बता दें गुजरात टाइटंस की तरफ से ना तो मैथ्यू वेट चले, ना शुभमन गिल और ना ही विजय शंकर। लेकिन कहते हैं ना कि मैदान में अगर हार्दिक पांड्या हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अकेला खिलाड़ी 10 बराबर है। और आज वाकई में पांड्या ने साबित भी कर दिया, क्योंकि दोस्तों जितने रन शायद पूरी टीम नहीं बनाकर गई उतने रन तो अकेले हार्दिक पांड्या ने बना दिए। 252 गेंद में 8 चौके 4 छक्कों के साथ 87 रन जड़ दिए हार्दिक पांड्या ने। ये है पांड्या की बल्लेबाजी की ताकत जो उन्हें सबसे अलग ऑलराउंडर बनाती है। अभिनव मनोहर का उन्हें साथ मिला 41 रन उन्होंने बनाए और डेविड मिलर भी 18 गेंदों में 31 रन बना गए। खैर दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बल पर 192 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके थे। जीतने के लिए 193 रन चाहिए थे राजस्थान के रजवाड़ों को, और जो खिलाड़ी इतने बड़े बड़े लक्ष्य चेस कर चुके हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन लगता है कि आज पांड्या केवल बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। तभी तो मैदान में आते ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया अपनी गेंदबाजी से कमाल और फील्डिंग से कि पूरा मैच अकेले ही जीता गए। 200 पडिकल को दूसरे ओवर में यश डायल ने शून्य पर आउट कर दिया था। उसके बाद तो एक ही ओवर में फर्ग्यूसन ने 2 बड़े विकेट निकाल दिए। सिर्फ जॉस बटलर बल्कि रविचंद्रन अश्विन भी इन दोनों खिलाड़ियों को एक ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने अपना शिकार बनाया। लेकिन फिर दौर आया हार्दिक पांड्या का। 200 फर्ग्यूसन ही 8वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे, उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। आपको बता दें कि 3 गेंदों पर कोई रन ना बनाने के बाद सैमसन बौखला चुके थे। तभी इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक सिंगल रन चुराने के चक्कर में सैमसन दौड़ तो पड़े, लेकिन दायरे में तैनात कौन था जरा गेस करिए, यानी कि हार्दिक पांड्या ही तैनात थे। 200 चीते की रफ्तार से हार्दिक पांड्या ने गेंद पर डाइव लगाई और ऐसी बुलेट की रफ्तार से थ्रो मारा कि इससे पहले कि सैमसन अपना बल्ला क्रीज में जमा पाते या पैर भी ला पाते वो आउट हो चुके थे। इतने शॉर्ट थे कि अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर रन आउट ही करार दिया, और यही वो लम्हा था जहां से मैच पलटा और राजस्थान की टीम के खिलाफ गुजरात का जीतने का कार्रवाई शुरू हो गया। 200 आगे चलकर क्या ड्यूसन, क्या हेटमायर और क्या ही अन्य बल्लेबाज सबके सब आउट होते चले गए। जाते जाते हार्दिक पांड्या ने नीशम को भी आउट कर दिया, मतलब कि विकेट भी लिया, रन आउट भी किया और बल्लेबाजी से भी अपनी टीम को जिताया। दोस्तों ये होता है कप्तान, जो कप्तान कम और खिलाड़ी के तौर पे मैदान में ज्यादा खेले। और वाकई में 200 पांड्या ने कोई ऐसी वैसी टीम को नहीं हराया, आईपीएल 2022 की नंबर वन टीम को हराया है। और 200 पांड्या ने कोई छोटे मोटे अंतर से भी नहीं हराया, पूरे 37 रन के अंतर से हराया है, मतलब कि नेट रन रेट में भारी इजाफा होगा नंबर वन की कुर्सी पे आने के बाद। तो 200 पांड्या की शानदार कप्तानी को, इस जीत को गुजरात की, साथ ही साथ उनके प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और 200 राजस्थान की टीम के खिलाफ पांड्या ने तहलका मचा के रख दिया। मैदान में आकर ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर सबकी हवाइयां उड़ गई। और कैसे आज पांड्या ने अकेले अपने दम पर राजस्थान की टीम के होश उड़ा के रख दिए, हर एक गेंदबाज की पिटाई करी, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को क्या भारतीय टीम में भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस आईपीएल 2022 का एक और घमासान 2 विजेताओं के बीच में खेला जा रहा है। 2 ऐसी टीमें जो कि आईपीएल में बहुत कम हारी है इस बार। आपने सही पहचाना, ये मुकाबला राजस्थान और गुजरात टाइटंस के बीच में डीवाई पाटिल के क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और प्रथा को फॉलो करते हुए वो भी गेंदबाजी चुन गए। मैदान में आई 200 गुजरात की टीम, जिन्हें बल्लेबाजी का न्योता मिला, उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं रही। 200 पारी के दूसरे ओवर में मैथ्यू वेड आउट हुए तो तीसरे ओवर में विजय शंकर अपना विकेट गवा बैठे। दोनों खिलाड़ी मिलकर 20 से 30 रन भी नहीं बना पाए थे। वो तो फिर पांड्या ने धाकड़ बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया था। 200 पांड्या की जब मैदान में एंट्री हुई तो एंट्री इतनी धाकड़ थी कि शुभमन गिल उनको देखते ही रह गए थे। और पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी आज कि पूरी टीम को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। सन की टीम को 202 अर्ली विकेट जरूर मिल गए थे, लेकिन पांड्या मैदान में अपना विकेट बचाने नहीं आए थे, विरोधी टीम को जवाब देने आए थे। और ये जवाब दिया अपनी पारी की पहली गेंद से। 200 पांड्या ने आकर मैदान में चौकों की झड़ी लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि पांड्या सभी खिलाड़ियों का बदला लेने आए हैं, लेकिन पांड्या सभी खिलाड़ियों का बदला नहीं, अपना नाम बनाने मैदान में आए थे। और नाम 200 रियान पराग के उस ओवर में बना जब वो पहली गेंद पांड्या को बड़े गर्व से डालने आ रहे थे, लेकिन पांड्या ने उस पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जो कि आईपीएल में अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का माना जा रहा है। 200 पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर पांड्या ने रियान पराग को एक फ्लैट छक्का जड़ा था, लेकिन वो केवल एक टीजर था, असली फिल्म छक्कों की तो आगे शुरू हुई। इस बीच में पांड्या को अभिनव मनोहर का भी साथ मिल गया, एक ऐसा युवा बल्लेबाज जो कि गुजरात के हर मैच में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सबको इम्प्रेस कर रहा है। और
और दोस्तों ये तो इम्प्रेस कर ही रहे थे, लेकिन पांड्या ने फिर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देख कर तो शुभमन गिल क्या दूसरी टीम के विरोधी कप्तान धनंजू सैमसन भी अपनी आंख मलने लगे। ये वाक्य पारी के 15वें ओवर का है। रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी पर थे, इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर चुके थे कि उन्होंने मात्र 35 गेंदों में ही 51 रन लगा दिए थे।